चलो ओला बंद कर दिया मैंने, उबर और रैपिडो। मेरे तो बड़ी दूर से राइड आई है ग्रीन फील्ड से, पिकअप करने के लिए जाना है 6 किलोमीटर और 2-2.5 किलोमीटर का होगा। दिया सर 1 ट्रे अंडे इसने, 150 की। हाँ अकाउंट्स की जॉब है। अरे क्या बात है, आप जैसे पैशनेट लोग मैंने बहुत कम देखे। किसके स्कूटर खड़े हैं यार, ये क्या है यार? अरे नहीं मैं मुझे समझ नहीं आया। उस समय मैं ग्रेटर फरीदाबाद में हूँ और पूरा अंधेरा है, चारों तरफ देखो जंगल टाइप सा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आई होप तो बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाकी मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ, 7:10 हो रहा है इस समय, 7:11 हो गया सॉरी, और 7:11 हो गया है। और मैंने सोचा यार, क्योंकि यार दिन में तो राइड ले नहीं सकते आप, दिन में इतनी गर्मी होती है कि अगर आपने राइड वगैरह ले ली तो फिर बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबसे बढ़िया है शाम को, रात को ही राइड लिया जाए। रात को राइड लेना बेनिफिट ये होगा कि थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम रहता है और रोड खाली रहेंगे। यार अभी भी जस्ट अभी मेरे पास एक राइड आई है, राइड आते ही कैंसिल हो गई। अभी जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ तो मेरा गोप्रो भी हैंग हो गया, तो अभी मेरे पास राइड आते ही हैंग चली गई। चलो कोई बात नहीं, ओला बंद कर दिया मैंने, उबर और रैपिडो ऑन कर दिया है, क्योंकि यार ओला में ना बड़ी लंबी लंबी राइड देता है, तो ओला थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि अगर पता चला कि मैंने ऑन कर दिया और उठा के गुड़गांव फेंक दिया, क्योंकि दिखता तो है नहीं इसमें, तो बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। चलो कोई बात नहीं, मेरे तो बड़ी दूर से राइड आई है ग्रीन फील्ड से, और जितने का पैसा नहीं होगा, जितनी कमाई नहीं होगी, उतने तो यार ये खा जाएगा, क्योंकि ये जाना है मुझे सेक्टर 45, वहीं पास में जाना है। मतलब 2 या 3 किलोमीटर मुश्किल से होगा ग्रीन फील्ड से, जहाँ मुझे ड्रॉप करना है। पिकअप करने के लिए जाना है 6 किलोमीटर और 2-2.5 किलोमीटर का होगा। हेलो, हाँ जी सर, सर ओल्ड फरीदाबाद हूँ इस समय खड़ा हूँ, और आप साथ ग्रीन फील्ड है ना सर? ओल्ड फरीदाबाद में हूँ सर मैं, 15-20 मिनट दिखा रहा हूँ यहाँ से, 15 मिनट दिखा रहा है मुझे। सर बहुत बहुत दूर, बहुत दूर है, आप जहाँ पर हैं ग्रीन फील्ड में, तो यहाँ से बहुत दूर दिखा रहा है, 6 किलोमीटर। हाँ तो फ़ायदा नहीं सर, मुझे मेरा लॉस हो जाएगा ना। ठीक है सर, ओके। मतलब उनको 1-2 किलोमीटर जाना है बस, अब 1-2 किलोमीटर ड्रॉप है, उसके बाद कस्टमर आस्क टू कैंसिल। हाँ बड़खल फ्लाईओवर से, ये सही है, बड़खल फ्लाईओवर से सेक्टर 21, तो चलो इनको पिक करते हैं। ये बड़खल फ्लाईओवर से सेक्टर 21 ही जाएंगे, तो ये मेरे रास्ते में ही है, मतलब यहाँ से जाऊँगा थोड़ी दूर जा करके मैं उनको पिक कर लूँगा। तो चलो देखते हैं कहाँ खड़े हैं। 27-23 28-23 आ जाइए सर। कितने के दिया सर 1 ट्रे अंडे इसने? 150 की। हाँ आप वैसे जॉब करते हो? हाँ जी, हाँ जी, पार्ट टाइम है मेरा ये, बस पेट्रोल वेट्रोल का निकालता रहता हूँ सर मैं, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। हाँ मैंने बना रखा, छोटा सा भी स्टार्ट किया है। नाइस। 26 अकाउंट्स की जॉब है। अरे क्या बात है, आप जैसे पैशनेट लोग मैंने बहुत कम देखे। चलो आप करो राइड, मैं आपके साथ। चलो ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। चलो एक राइड और आ गई अभी भी। चलो नंबर, क्या नंबर दूँ? पिन कोड नंबर। कहाँ जाना है ये, कहाँ दिखा रहा है ये? 4 मिनट का रास्ता, पास में है क्या? 27 है, 28 है, 28 तो यही है, सामने ही है। चलो देखो सर कितना आ रहा है, आप मुझे दे दो 14 रुपये। यार ऊबर में राइड आ रही थी, वो क्रॉस से दब गया अचानक ही। 48 रैपिडो में एक राइड आ गई मेरे पास, लेकिन सेक्टर 21 से आई है, 3 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अच्छा गेट खुला हुआ कि नहीं खुला हुआ देख लेते हैं।
अभी मेरी दो राइड हो चुकी है, एक 26 रुपए की थी और एक 14 रुपए की थी। अभी ये तीसरी राइड है मेरी रैपिडो की। मैंने ओला बंद कर रखा है और ऊबर तो ऑन कर रखा है, लेकिन ऊबर गलती से कैंसिल हो गया। कहाँ चलना सर? पैकेट उठाना है यहाँ से, कोई केक वगैरह लेना है शायद, वो जा रहे थे NIT तो उन्होंने कहा थोड़ा घुमा लो, एक पैकेट उठाना है मुझे। ठीक है सर, हो गया। फेल हो गई? अच्छा, तभी मेरा एंड नहीं हुआ। चलो यार, ये तो हो गया। मेरे पास चार राइड आ चुकी हैं, चौथी राइड है ये। मैंने तीन राइड कंप्लीट कर ली है, जिसमें मुझे 25 रुपीज़ इंसेंटिव मिल गया रैपिडो में, और अभी 100 रुपीज़ हो चुके हैं। क्या टाइम हुआ? मैंने 7:20 पे स्टार्ट किया था, 8:22 हो गया। ओ, किसके स्कूटर खड़े हैं यार, मतलब किसके किसके स्कूटी हैं? चलो यार, मेरी चौथी राइड थी लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया इसको, क्योंकि स्कूटर खड़ा था वहाँ पर और काफ़ी जाम लग रहा है यहाँ पर। ऑन है ऑन, भैया देख के कह रहे हैं बाय कर रहे हैं, हाय कर रहे हैं। गरिमा मैडम की राइड आई है, गरिमा मैडम BK चौक पे खड़ी हैं, तो इनको लेकर के जाना है सेक्टर 82। हाँ, पिन नंबर होगा T88। चलिए यहीं चलो ना मैम, सीधा। हाँ, 17 मिनट दिखा रहा है। ये गाड़ी वाला बड़ा गंदा चला रहा है, वैसे उधर से इधर, इधर से उधर लेके जा रहा है, इसलिए मैं साइड हो गया। ये सामने अभी उधर था, फिर इधर आ गया, मेरे पीछे हॉर्न मारा था तो मैं हट गया। तो डर लगता है ना ऐसे लोगों से, पता नहीं। हाँ वही तो, दबा दीजिएगा। हाँ, 39 रुपीज़ मिले मुझे, सॉरी 39 तो मुझे मैडम ने कैश दिए हैं, मतलब QR कोड से किया है, और वैसे मुझे इसके मिले हैं 49 रुपीज़। कितनी राइड हो गई? चार राइड हो गई है, 25 रुपये मिल गया मुझे। अभी देखूँ इंसेंटिव कब है, इंसेंटिव तीन राइड पे 25 रुपये थे 10 बजे तक, तीन राइड पे 25 रुपये था, 6 राइड पे 30 रुपये और मिल जाएगा। वैसे मैंने बोला था आप लोगों से कि मैं 2 घंटे करूँगा, तो रैपिडो की ही सारी राइड मैंने ली है आज। ओला मैंने ऑन नहीं किया कि ओला कहीं भी उठा के फेंक देता है, दूर दूर तक की राइड सारी ओला में आती हैं, और रैपिडो क्या है लोकल में ही आती हैं, तो इसलिए मैंने रैपिडो ही रखा है, ऊबर भी ऑन कर रखा है। और अभी मेरे मुझे 2 घंटे होने वाले हैं, करीब 20 मिनट के बाद 2 घंटे हो जाएंगे, देखते हैं अगर कोई राइड आती है तो ले लूँगा, नहीं तो फिर घर चलेंगे। मेरी 4 राइड हो चुकी है और 25 रुपये मुझे मिल चुका है, इंसेंटिव मिल चुका है। ये क्या है यार, एक और राइड आ गई मेरे पास अभी। ये कहाँ से राइड आई है, प्रीत रावत, और प्रीत रावत जी का कितना है, 4 मिनट दिखा रहा है मैम। ठीक है ठीक है मैम, ठीक है, ओके मैम, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ ये ठीक ठीक है, बोला था कि भैया ना जाना यहीं से ही मुड़ना।
अरे नहीं मैम, मैं मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा वो चक्कर क्रॉस करने के बाद है। चलिए कोई बात नहीं मैडम। हाँ हाँ, आप मुझे ना 4 डिजिट का पिन कोड दे दीजिए। हम लोगों को यहाँ का आइडिया नहीं है ना मैम। नहीं मैम, चलो मैम। मैम को ड्रॉप कर दिया, अब हम चलते हैं। अभी जो राइड ली है मैंने, इसमें कितना आया है? 29 रुपीज़ आए हैं, 29 रुपीज़ आ गए हैं। चलो चलते हैं। ये मेरी 5वीं राइड थी, 25 रुपीज़ इंसेंटिव मिल चुका है, 30 रुपीज़ का इंसेंटिव बैलेंस है। अगर एक राइड और कर लूँगा 10 से पहले पहले तो मुझे इंसेंटिव मिल जाएगा। चलो कोई नहीं, मैडम को छोड़ दिया है मैंने यहाँ पर और मुझे मिल गया है 29 रुपीज़। 5वीं राइड है मेरी, टोटल 178 दिख रहा है वॉलेट में। और सारे सारे मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट आई हैं सारी। चलो कोई नहीं, चलो यार। सोसाइटी तो बहुत अच्छी है लेकिन रोड बड़ा गंदा है। चलो कोई राइड आती तो फिर मिलते हैं दोबारा। दोस्तों एक राइड और आ गई मेरे पास अभी भी जस्ट अभी, तो मैं ओला बंद कर देता हूँ। यहाँ से 6 मिनट दिखा रहा है, 3.5 किलोमीटर। मतलब इस समय मैं ग्रेटर फरीदाबाद में हूँ और पूरा अंधेरा, चारों तरफ देखो जंगल टाइप सा है, सोसाइटी दूर दूर है, यहाँ कोई ऐसा सोसाइटी नहीं है। और अभी भी यहाँ से 3 किलोमीटर दिखा रहा है कस्टमर की लोकेशन। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। कोई नहीं, कस्टमर पे फिर मिलते हैं वहीं पर। 4 मिनट दिखा रहा है यहाँ से। वहाँ खड़े हैं, WS का बोर्ड लगाया ना, यहीं नीचे खड़े हैं, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। WS यहीं खड़े हैं, ये वर्ल्ड स्ट्रीट है, वर्ल्ड स्ट्रीट में उन्होंने बोला था मैं यहाँ खड़ा हूँ। WS का बोर्ड ये लगा हुआ है। ओ ओ ओ, यहाँ पर खड़े हैं ना नीचे। हाँ नंबर होगा एक। कहाँ चलना है सर? ₹28 सर। ₹28 बने मेरे, ₹28 मिले हैं। अब देखो इसमें मुझे वो मिला कि नहीं मिला, क्या कहते हैं उसको, इंसेंटिव मिला। लो 30 रुपीज़ और इंसेंटिव मिल गया, 50 रुपये। 6 राइड में ₹25, 2 राइड पे बाकी तो नहीं, 3 राइड पे ₹25 और क्या था इंसेंटिव यार। चलो 3 राइड पे ₹25, फिर 6 राइड पे ₹30, 55 रुपये मुझे इंसेंटिव मिल गया। टोटल मुझे मिला है अभी जो ₹30.24 मिला इस राइड का, ₹244 मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। 9:32 हो गए हैं, मैंने 2 घंटे बोला था लेकिन करीब 2 घंटे 10 मिनट हो चुके हैं मुझे। 2 घंटे 10 मिनट में मेरे करीब ₹244 आ गए। आज मैंने सिर्फ रेपिडो चलाया, मैंने ऊबर तो ऊबर चलाया था लेकिन ऊबर में राइड आई नहीं है। ओला मैंने ऑन नहीं किया क्योंकि ओला वाला कहीं फेंक देता उठा के। तो रैपिडो में टोटल कितनी कितनी इनकम होगी मेरी? ₹244 टोटल मेरी इनकम हो गई 6 राइड के, ₹244। चलो ₹244 यार, कितना हो गया टाइम? 9:34 हो रहा है। और आपने देखा मेरे, मैंने 7:12 पे मैंने राइड स्टार्ट की थी, तो 2 घंटे 10 मिनट के अंदर, 2 घंटे 10-12 मिनट में ₹244 आ गए हैं सिर्फ रैपिडो में, लोकल में। वो भी ओला मैंने ऑन नहीं किया कि ओला में यार बड़ी दूर दूर की राइड आती है, लोकल की राइड नहीं आती, बहुत कम। ऊबर में तो यार फरीदाबाद वगैरह में तो राइड ही नहीं। चलो मिलते हैं अगली राइड में। और जिन भाई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको, उनसे यार रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। कमेंट जरूर करना क्योंकि कमेंट करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि और वीडियो बनाऊँ। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।
छठी राइड जो मैंने वहाँ भी छोड़ी है उसके बाद मैंने अपना होम रूट लगा दिया था ओला और रैपिडो दोनों में, तो मैं अभी घर पहुँच गया हूँ। चलो बंद करता हूँ कैमरा, बाकी चलो एनीवे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक करना यार, कमेंट भी जरूर करना जिससे कि मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो मैं घर पहुंच चुका हूं, अब मैं कैमरा बंद करूंगा।